ये देखिए, आज हम ये 8 नंबर की चोली बनाएंगे। ये येलो और मेहरून कलर में मैंने बना के रेडी की है। ये 8 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। तो चलिए हम चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटीफुल क्राफ्ट में। आज हम 8 नंबर कान्हा जी की चोली बनाएंगे। ये बेबी वूल है, ये 3.55 mm का क्रोशिया हुक है। तो पहले सबसे पहले हम एक ऐसे नोट बना लेंगे। नोट बनाने के बाद चेन बनाएंगे। चेन हम थोड़ा खुले खुले हाथ से बनाएंगे, थोड़ी लूज लूज, ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये देखिए, मैंने 22 चेन बना के तैयार कर ली है। अब 2 चेन और बनाएंगे। इसी 2 चेन को हम स्किप करेंगे और ये 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 7 8 9 10। इसी तरह डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने 22 चेन बनाई थी, तो 22 ही डबल क्रोशिया हमारे पास होने चाहिए। मैं 22 डबल क्रोशिया बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है। 22 चेन पे 22 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ऐसे 2 चेन बना लेनी है, वर्क को टर्न करना है। जो पहले वाली है उसमें हमने डबल क्रोशिया, अब जो नेक्स्ट है उसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया। अब ये रो इसी तरह बनेगी। जो पहला है इसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया है, बाकी पूरी रो में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले में हमने 1 बनाया, अब जितनी भी रो है सभी में हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह ये रो कंप्लीट होगी। हर 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं रो बनाते हुए लास्ट में आ गई हूँ। अब लास्ट वाले में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, बाकी सभी में हमने 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक स्टार्टिंग में एक बनाया और एक लास्ट में। 2 रो हो गई हैं। अब हम तीसरी रो बनाएंगे, तो उसके लिए 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर 3 डबल क्रोशिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया अलग अलग बनाए हैं। अब जो हम चौथा डबल क्रोशिया बनाएंगे उसमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 में 1 1 बनाया, चौथे वाले में 2 बनाए। अब 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया। ये हमने 6 अलग अलग डबल क्रोशिया अलग अलग चैन में बनाए हैं। अब जो हम 7वां डबल क्रोशिया बनाएंगे वो एक में 2 बनाएंगे। तो अब देखिए, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया और 6 6। ये हमने अलग अलग में बनाए। अब जो 7वां बनेगा वो उसमें हमने 2 बनाने हैं। फिर से 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और 6।
ये छह हमने अलग अलग में बनाए। अब जो सातवां है उसमें एक साथ हमने दो डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह ये रो बनेगी, छह बार एक एक बनाना है, जो सातवां बनेगा उसमें हमने एक साथ दो बनाने हैं। तो ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छह के बाद हम दो बनाए, एक दो, और ये लास्ट वाले में फिर से तीन। तीन ये हमने लास्ट में बनाए हैं, तीन स्टार्टिंग में बनाए थे, तो वही सीक्वेंस बना हमारा। छः के बाद हमने इनक्रीज किया है। तो इसी तरह हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब हम फोर्थ रो बनाएंगे। दो चेन लेके स्टार्ट करेंगे, पहले में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे में दो डबल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया और चार। ये हमने चार अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए। आप जो पांचवा बनाएंगे उसमें हमने एक साथ दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब देखिए फिर से एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, छह डबल क्रोशिया और सात। ये हमने सात डबल क्रोशिया अलग अलग में बनाए हैं। अब जो हम आठवां बनाएंगे उसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरह हम ये रो बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, छह डबल क्रोशिया और सात। ये सात हमने अलग अलग में बनाए। जो आठवां हम बनाएंगे उसमें एक साथ दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये रो कंप्लीट करनी है। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए जब हम चोली को ऐसे ज्वाइन करेंगे, तीन इधर हैं और चार इधर हैं, सातवें में इनक्रीज किया है। इसी तरह ये हमने रो बनाई। अब हम पांचवी रो बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, छह डबल क्रोशिया और सात। ये हमने सात डबल क्रोशिया अलग अलग चेन में बनाए हैं। अब जो हम आठवां बनाएंगे उसमें हमने एक साथ दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच, छः, एक दो तीन चार पाँच छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। ये हमने बारह बार अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए। अब जो तेरहवा डबल क्रोशिया बनाएंगे वो एक साथ दो बनाएंगे। इस रो में हमें चार ही डबल क्रोशिया इंक्रीज करने हैं। एक हमने सात के बाद किया, एक ये बारह के बाद किया। अब इसी तरह ये रो बनेगी, बारह बार हमें अलग अलग डबल क्रोशिया बनाने हैं। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। बारह बार ये अलग अलग डबल क्रोशिया बनाया। अब जो तेरह है उसमें एक साथ दो बनाने हैं। इसी तरह ये रो बनेगी, बारह बार एक एक बनाना है, तेरहवें में हमने दो बनाने हैं। तो ये मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ। ये हमने एक और लास्ट में भी एक डबल क्रोशिया बना दिया। एक दो तीन चार पाँच, पाँच रो बन गई है। अब हम सिक्स रो बनाएंगे। छठी रो जो बनेगी
वो जितने डबल क्रोशिया हमारे पास है सभी के ऊपर एक एक बनाते हुए ये रो हमें कंप्लीट करनी है। मतलब ये कि इस रो में हमें एक भी इंक्रीज नहीं करना, जितने हमारे पास डबल क्रोशिया हैं सेम रो बना के हमने ये रेडी करनी है। एक एक डबल क्रोशिया अलग अलग में बनाते जाएं और इस रो को कंप्लीट करें। तो इसी तरह ये रो बनेगी, इसमें हमने एक भी इंक्रीज नहीं करना। मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ। अब ये लास्ट में भी एक, इसी तरह हमने एक एक करके ये पूरी रो कंप्लीट कर दी है। 1 2 3 4 5 6, 6 हमारी रो बन गई है। अब हम सातवीं रो बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 6 7 और 8। ये हमने 8 डबल क्रोशिया अलग अलग बना के तैयार किए हैं। अब 8 डबल क्रोशिया के बाद हम स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमने 13 स्किप करने हैं। और जो ये 14 है उसमें 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए 8 हमने बनाए, 13 इधर हमने स्किप किए हैं। ये हमारे आर्म होल के लिए है। हमने 8 बनाए हैं तो बैक में हमने 16 बनाने हैं। तीन चार पांच इधर हमने 8 बनाए थे तो बैक में 16 बना लिए हैं। अब फिर से हमें 13 स्किप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हमने स्किप करने हैं और 8 फिर से बना लेने हैं। चार पांच छः सात और ये 8। ये देखिए चोली कुछ इस तरह दिखती है। 8 इधर हैं, 8 इधर हैं और 16 बैक में हैं। तो इसी तरह ये चोली बनानी है। ये मैंने 8 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 2 चेन बना के एक रो इसमें हमने और बनानी है। 1 2, जितने ये डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर सेम हमने डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करना है। कोई भी हमने इंक्रीज नहीं करना, बस सीधा सीधा जितने डबल क्रोशिया हमारे पास हैं उतने ही बना के ये रो हमने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते डबल क्रोशिया बनाते जाएं और रो को कंप्लीट करें।
जितने डबल क्रोशिया हैं उतने ही बना के इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई। अब हम चोली को ज्वाइन करेंगे कहाँ पे, ये यहाँ पे थर्ड चेन है जो, उसमें ऐसे स्लिप स्टिच से और ये एक चेन बना के। अगर आप चाहें तो यहीं से घेरा बना के स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये खाली चोली की वीडियो डाल रही हूँ इसलिए मैं घेरा नहीं बनाऊँगी। ये देखिए ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। अब हम इस पे किनारी बनाएंगे, तो उसके लिए मैं ये मेहरून कलर का धागा ले रही हूँ। किनारी बनाने के लिए ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया की चेन है उसमें हमने क्रोशिया डाला, एक चेन लेके ये धागा ऐड हो गया हमारा। अब ये यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे ये हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। ये जो हम हाफ डबल क्रोशिया की रो बना रहे हैं तो हाफ डबल क्रोशिया पास पास बनाएं, ज़्यादा दूरी पर ना बनाएं। ये लास्ट में हमने यहाँ पे दो बना दिए क्योंकि ये थोड़ा गोलाई में आ जाता है। फिर ये सभी जो डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में हाफ डबल क्रोशिया, ये हाफ डबल क्रोशिया बनाते बनाते यहाँ तक मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पे मैंने एक साथ दो बना लिए हैं, फिर ये हम इधर वाली रो भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो मैं बता देती हूँ, ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है एक तो इसके सेंटर में बना लेना, एक ये हमें चैन दिखाई देगी, एक यहाँ बनाना है। फिर से ये देखिए एक सेंटर में बनाया और एक फिर चैन में बनाया, फिर से सेंटर में बनाया, फिर चेन में बनाया, फिर सेंटर में बनाया और फिर ये चेन में बनाया, और फिर ये हमने यहाँ पे जहाँ पे एक चेन ली थी वहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करके धागे को कट कर देना है। ये देखिए ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई है। अब हम ये बाजू पे भी किनारी करेंगे। तो उसके लिए सेम हमें ये जो सेंटर में आता है हमारा डबल क्रोशिया उसकी चेन में डालनी है और ये ऐसे एक चेन से धागे को ज्वाइन कर देंगे। अब फिर हमें यही बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। ये जो भी डबल क्रोशिया आएंगे बाजू में सभी के बीच बीच में हाफ डबल क्रोशिया। ये हम लास्ट में आ गए, ये जहाँ पे हमने एक चेन ली थी यहाँ पे धागे को ज्वाइन करके ऐसे कट कर देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह बनी है, इसी तरह हमने इधर भी बना के रेडी करनी है। मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये चोली बन के तैयार हो गई है। बाजू पे भी किनारी हो गई, सेंटर में भी किनारी हो गई, ये देखिए बैक से एकदम परफेक्ट साइज में चोली बन के तैयार होगी। अगर आप सेम क्रोशिया हुक लेंगे और ज़्यादा टाइट, ना ज़्यादा टाइट हाथ रखेंगे ना ज़्यादा लूज हाथ रखेंगे,
अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। राधे राधे।